नमो राघव भाई। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। जब भगवान को श्राप लग गया, यह मैं जगत गुरु जी चित्रकूट पीठाधीश्वर की भावार्थ बोधनीय हिंदी अनुवाद के द्वारा मैं आप सबके समक्ष पाठ करती हूँ। आपको जैसा भी लगता हो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि मैं टूटी फूटी वाणी से गुरु कृपा से कैसी पढ़ रही हूँ, क्योंकि रामचरितमानस का पढ़ना समझना हरेक किसी के बस का कार्य नहीं है। पर जो कुछ भी गुरु कृपा होती है वह मैं आपके समक्ष आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ, और आप जैसा भी कुछ कहते हैं वह सुन लेती हूँ, और जैसा भी आप सहयोग दे रहे हैं भगवान की कृपा से आपका भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। एक चौपाई ही हमारे जीवन को सार्थक बना देती है, 24 घंटे के कष्टों को समाप्त कर देती है। यदि आपने घर के दरवाजे पे एक चौपाई लिख दी के होम करने लागे मुनि जारी और आप रहे मख की रखवारी, यदि दरवाजे पर आपने यह रामचरित की चौपाई लिख दी मानस की, तो समझो 24 घंटा आपके दरवाजे की रक्षा भगवान राम करने लगते हैं, और राम के साथ के राम दुआरे तुम रखवारे ओ तनया बिनु पैसारे, और हनुमान जी तो राम के दरवाजे पर रक्षा करते हैं। तो ये हो गया, और एक चौपाई यह भी बहुमूल्य है के राम सियावजी बारम्बारा और चक्र सुदर्शन है रखवारा। भगवान राम का सुवरण करो तो आपकी रक्षा चक्र सुदर्शन करता रहता है। नेक राह पे चलो और भगवत भजन करो। तो अब भगवान क्यों इस धरती पे आए वह बड़ा सुंदर प्रसंग है। पार्वती जी मैया श्राप लग गया, वो सब अगले ब्लॉक में हमने बता ही दिया है। अब तो आगे का प्रसंग चलो, पीछे की चर्चा में कुछ नहीं है। जो प्रतिदिन सुनेगा वही इस रामचरितमानस की पूरी कथा को, मैं एक एक चौपाई छोड़ नहीं रही हूँ, मैं सारी चौपाइयों का पाठ करते हुए भावार्थ बोधनी से मैं आप सबके समक्ष इस रामचरितमानस को गा रही हूँ। मैं वशिष्ठ कुल की बहू, गलती हो जाए उसे माफ करते रहना। तो क्या हुआ, कल्प यही विधि जन्म कर्म एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुजय अवतार सुर रंजन सज्जन सुखद हरे भंजन बो व्यवहार। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे सुंदर सुखद विचित्र गनेरे कल्प कल्प प्रभु कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरई चारो चरित नाना विधि करई चारो चरित नाना विधि करई तब तब कथा मुनि सनि गाई परम पुनीत प्रबंध बनाई विविध प्रसंग अनुपव काने कान सुने आचर जसयाने हरे अनंत हरि कथानंता सुनाई बहु विधि सब सुनता। भगवान भी अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है, जैसे संत अपनी अपनी सोच अपनी अपनी वाणी के अनुसार सुनाते हैं। जैसे कि मेरे गुरु जी ने यह भावार्थ बोधनी अपने मन के अनुसार यह गोरखपुर रामचरितमानस की तुटियां समाप्त करके उन्होंने ये हमारे आपके समक्ष लेके आए। इसी तरह से संत कथा तो अनंत है, इसका ये नहीं कि कोई एक मतलब गुरुजी अभी तक तृप्त नहीं हुए हैं। जीवन उनका हो गया 75 वर्ष की एज हो गई, लेकिन फिर भी चित्रकूट पीठाधीश्वर अभी भी नहीं कहते कि हम संतुष्ट हैं।
तो यह है राम कथा, तो इससे कभी कोई संतुष्ट नहीं होता। इसकी तो कथा अलग अलग संत अपने अपने हिसाब से कहते रहते हैं। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटे लगी जाए न गाए। अब मैं रामचंद्र के जो चरित हैं उन्हें मैं सुनाता हूँ। ये प्रसंग में का वाणी, हरे माया मोहाई मुनि ज्ञानी। हे भवानी, मैंने आपको समझाया है कि जो ऋषि मुनि हैं वो भी ये प्रभु की माया में लिप्त हो जाते हैं। नारद जैसे ऋषि भी भूल गए। प्रभु को तू की प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखयारी। भगवान तो प्रणत पालक हैं, कौतुक करने वाले हैं। भगवान बड़े कौतुक ही हैं, भगवान की लीला तो भगवान कौतुक ही करते हैं। हरी सुर नर मुनि को नाई, जे न मोह माया प्रबल, अस बिचारे मन माए, बजिए महा माया पति है। ऐसा कोई सुर नर मुनि कोई नहीं है जिसके की माया न पे। देखो गुरु जी लिख रहे हैं, देवता मनुष्य और मुनियों ने ऐसा कोई भी नहीं है जिसको भगवान की प्रबल माया नहीं मोहित कर लेती हो। मन में ऐसा विचार करके महा माया के पति अर्थात सीतापति भगवान राम श्री रामचंद्र का भजन करना चाहिए। यानी सीता के जो पति राम हैं उनका भजन हमें करना चाहिए, वरना माया तो सबको जकड़ी लेती है। इसलिए हमें मायापति का ही भजन करना चाहिए। ये भगवान के बारे में शंकर जी कह रहे हैं, हे पार्वती जी, मैंने आपको बताया कि क्यों श्राप दिया भगवान को नारद जी ने, और उनको भी माया किस तरह से प्रेरित कर गई। सुर नर मुनि को नाही, जे न मोह माया प्रबल, अस बिचारे मन माई, बजिए महा मायापति है। मायापति का भजन करो, यानी कि सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। आप रहे तो सुनि शैल कुमारी, कयो विचित्र कथा विस्तारी। अब मैं विस्तार से कथा कहता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुनना। ये उससे पहले हम एक और कह दें, जो हमारे गुरुजी हमेशा जब भी कथा कहते हैं और शुरू करते हैं तो इसको कहते हैं, ये बात सच है। यदि आपके मन में विश्वास आ गया और आपने विश्वास करके यह धाम मन में अनुभव कर लिया, अनुभव की बात है, ये एकदम 100 में 100% सत्य है। तो ये दो आए कि तुलसी सीताराम के हृदय धरो विश्वास, और कबहुं बिगड़त ना सुनी मैंने सीताराम के दास। कभी सीताराम के दासों की बिगड़ती नहीं है, इसलिए आप भगवत भजन करते रहो और सीताराम का नाम जप करते रहो, आपकी कभी जीवन में बिगड़ नहीं सकती है। कि हमेशा भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। अपरहेत सुनि शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी, जय कारण अजय गुण रूपा, ब्रह्म भयो कौशल पुर भोपा, जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा, जासो चरित अब लोके भवानी, सती शरीर रहे ओ बरानी, अजऊ न छाया मिटाई तुम्हारी, तासो चरित सुने ब्रह्म रोज यारे। हे शैल पुत्री,
आपने जो रूप भगवान का देखा था, जो कौशलपुर भूपा बने थे वह रूप आपने देखा था, ये सब भगवान की माया थी, जो आप भी सती रूप में बोरा गई थी। भगवान कह रहे हैं, अब जो दशरथ के बने थे सो आपकी वह भ्रम मेटने के लिए मैं वह कथा कहता हूँ। लीला कीन जो ताए अवतारा, सो अब करे मते अनुसारा। जो लीला की थी भगवान ने, वही मैं लीला आपसे कहता हूँ अपने मति और बुद्धि के अनुसार। भरद्वाज सुने शंकर वाणी, सकुच स प्रेम माम से कानी। भरद्वाज मुनि कहते हैं, याज्ञवल्क शंकर जी की ऐसी वाणी सुन करके पार्वती मैया मन में मुस्कुरा गई। भगवान की कथा आपने देखी होगी, जो भक्त कथा में बड़े तत्पर और लीन रहते हैं, उनको आपने निजी जीवन में अनुभव किया होगा कि अगर उन्हें पता लग जाए फलानी जगह कथा होती है तो झट से अपना काम भी कर लेंगे, सब कुछ निपटा के झट से कथा में भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि उन्हें कथा का रस पता होता है। तो इसलिए पार्वती मैया पहले जो कथा सुन नहीं पाई थी, जो उनसे छूट गई थी, अब उन्हें समझा, भोले बाबा पूरी कथा विस्तार से सुनाएंगे, तो बहुत मन ही मन मुस्कुराने लगी, बहुत ही बहुत खुश हो गई मैया। लगे बहुरे बरने ब्रस के तू, सो अवतार भये उजये तो। अब तो शंकर भगवान वही विस्तार पूर्वक कथा कहने लगे, जिससे भगवान का अवतार हुआ था। सो में तुम सन कहे ओ सब सुनी मुनि समन ला। राम कथा कले मलरनी, मंगल करनी सो आए। राम की कथा कल काल में मंगल करने वाली है, वही कथा मैं कहता हूँ, जो शंकर जी पार्वती जी का भ्रम मिटाने के लिए कह रहे हैं, वही अच्छी अति उत्तम कथा, उसी को मैं भी तुमसे कहता हूँ, क्योंकि ये कथा तीन जगह चल रही है ना, याज्ञवल्क से भरद्वाज जी, काग बसुंड और गरुड़ का प्रसंग, और शंकर पार्वती जी का प्रसंग, इस तरह से ये कथा तीन घाटों पे चल रही है। तो वही कथा शंकर पार्वती जी कह रहे हैं, वही याज्ञवल्क मुनि भरद्वाज से भी कह रहे हैं। अब आगे का प्रसंग हम आगे के विलोक में शुरू करेंगे, क्योंकि किसने तपस्या की और कैसे भगवान का प्रकट हुआ, किसको वरदान दिया, ये सब आगे के ब्लॉक में कहेंगे। और क्या क्या तपस्या, कितनी चतुरता से और भगवान से वरदान मांगे गए, ये सब प्रसंग आगे कहेंगे। नमो राघवाय, जय जय श्री सीताराम। जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और भगवत भजन करते रहना, राम नाम जप करते रहना, क्योंकि राम नाम ही मंगल का करने वाला है। अभी पिछली वो लगाती कि नहीं, राम कथा कल मल हरनी, मंगल करे सुहाय। मंगल को करने वाली राम कथा को आगे भी श्रवण करते रहना, हम और आप आगे भी श्रवण करेंगे। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम।